Welcome or do you say that? Like, share, comment, subscribe. इमामे दायरे में रखने चला रहे बहुत बड़े मोहज़िद दिख रहे हैं उनके हज़िर के किताब भी सुनाने दायरे में उनको सुनाने क्या ना मुश्किल है हम सुनने सुनाने दायरे में से बहुत बड़ा आमिर है हिंदू लड़ाह की रात में इंतकाल हुआ उनका आरफा के दिन और हिंदू लड़ाह के दिन तस्वीर हुई लेकिन 255 हिजरी में उनकी वफात हुई है और उनके एक साल के बाद इमाम बुखारी की वफात रहमतुल्लाह इमाम बुखारी हमारे लिए वफात अजीब है तो भी शबे जुमा है और ईद उल फितर की रात तो भी तीन दिन समय है दोनों हम जमाना थे और ताल्लुक भी था हम असर थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की आदत ये थी कभी अशआर नहीं पढ़ते ना अशआर कहे कभी सिवाय उन अशआर के जो अहादीस में आए वो पढ़ते थे बस इमाम दारमी का इंतकाल हुआ रहीमहुल्लाह उनको पता चला इमाम बुखारी बुलाने को तो सर झुका लिया और आंखों से आंसू बह जाए दोस्त थे बड़े मुहद्दिस थे फिर एक शहर का हालांकि कभी शहर नहीं कहते इन सब का तुझ जा बिल अहिब बती तो ली ही बड़ा दूसर है इन सब का तुझ इन सब का तुझ जा बिल अहिब बती तो ली ही फिलहाल नफ्स कला अबालत अवजाओ वो फरमाते हैं कि जब तक तू जिंदा रहेगा तुझे दोस्तों की जुदाई का गम सहना पड़ेगा जब आदमी जिंदा रहता है वफा की फोन मिलती है फला इंतकाल हुआ फला इंतकाल हुआ बेटा भाई बहन वालिदैन किसी हुजूर आदमी का जिंदगी जिंदगी में जब तक रहोगे जिंदा तुम्हें किसी की वफात का गम उठाना पड़ेगा इन तुम का तुफ जा राहिब पति कुल्ली हिम आई पा दोस्त आज मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ उनको हटाऊंगा मैं लेकिन साहब फरमा देंगे फरना नफ्सी का आप जैसे आदमी का इंतकाल फरमाना ये तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा कम का बात है बड़े आदमी थे कल हमारे रंजान में से हमारे एक बुजुर्ग अलमारा या पोसा गुजारी चल बसे बिल्कुल कैसे ही कम है लोगों ने उनकी कदर नहीं की दो आलिम की कदर इंडियन में बिल्कुल नहीं हुई जो बहुत अजीम लोग थे बहुत अजीम एक अल्लामा खालिद महमूद साहब गुजारी वो बहावल इल्म थे इल्म का समंदर था वाकई उनको लोगों ने पहचाना किताब पढ़ा हैरान हो जाया मुश्तहिदान जहन के मालिक थे मुश्तहिदान जहन हम उनसे बहुत गला आखिर दो टाइम बहुत गला पता थे तकरीबन हम वहीं जाते थे हम उनके पास हम दो दो घंटा बैठते थे अकेडमी में बहुत सारे आदमी इतना बड़ा इल्म का समंदर और शादी एक छोटे से कमरे में क्या भी है जिंदगी की गाड़ी शादी है न कोई दौलत कोई माल और जब भी उनके पास गए हम कभी उधर उधर की बात नहीं की कभी नहीं बैठे फौरन से बात छेड़ दी हदीस की तस्वीर की फिकाह की फिर कहे बातिला के रस जब भी कोई इधर उधर की बात नहीं हमने कई मरतबा कोशिश की क्या हम मजहब के हालात पूछे अगर साहब आए हुए कहे बिका बातें छोड़ो काम की बातें करो कभी नहीं बताया अगर कहाँ फारिग हुआ मेरी उम्र कितनी है कहाँ पढ़ा मेरे उस्ताद कभी नहीं हाँ हमेशा तो जीत की बातें की वो अजीम गंगा का समंदर था मगर बरतानिया के लोगों ने अवाम से मेरी शिकायत नहीं अवाम तो अवाम है अरे इन मजे में उनकी कदर नहीं अरे इन मजे दूसरे हमारे रंगवाने याकूब साहब रहमतुल्लाह बहुत बड़े आदमी थे मगर उनकी कदर भी नहीं हुई बल्कि कोशिश की उनको गिराने की कल पता चलेगा क्या रखते दिन वहां सबका फैसला होगा वहां पता चलेगा कौन कैसा है कौन अल्लाह का महबूब था कौन अल्लाह का महबूब था वहां पता चलेगा दुनिया में कुछ नहीं दुनिया दारुल अमल है मैं इसलिए तौबा दर्ज कर रहा हूं कि आज भी कुछ आहिल इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह जमीन पर मर नहीं गए हैं बरतानिया की सरजमीन पर ऐसे भी आज बेहतर वलमा अल्हम्दुलिल्लाह भी पहुंच गए इनकी भी कदर करो कभी भी नहीं होगी
मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कल दिलदरी से रोजाना दस पारे तिलावत का इमाम, रोजाना दस पारे पूरी जिंदगी तहजुद नहीं गई, लव द्वार वलामा इसमें कभी इमाम है तहजुद कभी नहीं जाती। हमने क्या कदर की थी उनकी, बुराई तो हमने बहुत देखी, कोई इंसान बुराई से पास नहीं, ऐब से पास नहीं, सारे इंसान गुनहगार है और हमारे इंसान उनसे भी खता होगी और होती है और उनका फर्ज है और हमारे दिल से कदर करे और ये कदर आपके लिए है हमारे लिए नहीं है और हमारा कदर जो मकाम दिया है वो देंगे अल्लाह कयामत के दिन भी इंशाअल्लाह सुनना इंशाअल्लाह। अपने आशीर्वाद खराब न करो और हमारे से दुख और हमारे से जीना और हमारे से नफरत और हमारे से जिब्बत तुम्हारी कब्रों को खत्म कर देगी, तुम्हारा ईमान भी रखें तुम्हारे कब्रों में चेहरे सुबह से फिर न जाए। हमें भी बहुत गम है वाकई, जैसा इमाम बुखारी ने शायद फरमाया बिल्कुल हम पर हमारा याकूब सब पर तारीख आता है हमारे लिए। एक मरतबा मैंने उनसे पूछा कि मौलाना एक आलिम ने साफ देखा है कि तुम्हें जरा साफा बयान नहीं करता तुम साफा मुझे वो खा चुके नहीं है जिंदगी जिंदगी की बात करो ना जाते की दशा की बात क्या होती है लेकिन वो खाब सारे देखा भी नहीं है। मैंने कहा उन्होंने आलिम ने खाब देखा है उनका नाम मुझे पता है उन्होंने बताया तो मेरा नाम जाहिर नहीं करना। मैंने रात तो हजरत जरिए पाकिस्तान की ज्यारत करवाई ज्यारत की उन्होंने और मैंने देखा कि आप शासन तस्वीर फरमा है और मौलाना याकूब साहब छज्जे की बैग लेकर जा रहे हैं आप शासन की खिदमत में। तो मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह उन्होंने आयु से कहा कि आपने साहब मौलाना को सुनाया कहा सुना बस तो मौलाना आए हजरत ने साहब देखा है तो आप क्या तो खबर भेजते हैं। कहने लगे मौलाना साहब आपने पूछा इसलिए कहता हूं कभी भी मैं रात को 500 मरतबा गुरु शरीफ बड़े बगैर नहीं सोया हूं सफर में क्या हजर में हमेशा सफर में होता हूं कि हजर में रहा होता हूं रात को सोने से पहले 500 मरतबा एहतमाम से गुरु शरीफ बैठे सोता हूं। मैंने खुद लिखा बदल से अपने बयान किया कारण ऐसा खाद का रो पड़े मुझे फरमाने लगे कि मेरा योमिया मामूल हजार गुरु शरीफ का है योमिया और मुझे कई वर्षों से गायब नागा हुआ हो कई वर्षों से हमेशा हमें क्या कदर थे हमारे लोकल थे करीब में थे मिलने भी लोग जाते मिलते भी नहीं ऐसी नफरत बिठाई गई थी जान दुष्कर चाल चलकर नफरत बिठाई गई अल्लाह देख रहा है सबको वहां सबका फैसला हो रहा है। तो मैं कह रहा कि मैं रोज आना एक देव मिला मेरा मामूल है 1000 गुरु शरीफ का आज मैं मौना के हाथ बयान कर रहा हूं ना हमारे सुनने वाले बस इस अमल को अपना मामूल बना रहा आज बस कि हम देव मिला रोजाना 1000 गुरु शरीफ जरूर पढ़ेंगे देव मिला रोजाना बहुत वक्त हमारे पास है मेरे दोस्तों कुछ नहीं आप इतना पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर भी लगेगी हजार इससे ज्यादा नहीं फजीलत क्या है बहुत बड़ा आज फिर सुना दू मौका है मन चल रहा है जो आदमी मुझ पर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्नत वो आदमी उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि दुनिया में अपना ठिकाना जन्नत में देख न ले। अल्लाह मौत से पहले पहले इस आदमी को दुनिया में दिखा देगा कि तेरा जन्नत का ठिकाना है गुरु शरीफ की बरकत थी आज से मामूल बना बता रहे हजार ज्यादा तुम इंसान वहां से बदल नारा लगे सही के नहीं क्या कर पाया मिल क्या चीज है हम घंटों जाए करते थे घंटों न्यूज में क्रिकेट में फुटबॉल में वाहिया तबाही में घंटों 12 मिनट हजरत कभी एक पांच जन जाते अपना जिनका हम पर जबरदस्त एहसान हम उनके एहसान का मजा दे सकते मुझे कहते हम दृष्टि उनको तो पहुंचेगा जरूर सलाम हम
आपके साथ का फायदा कितना होगा? एक मरतबा गुरु पढ़ो, एक मरतबा दस रहमतें, दस दरजात बुलंद, दस गुना माफ, सारे मसाए का, सारे मसाए का हर दरस से मिले। जो परेशानी दरस से शुरू कर दो। हमारे बुजुर्ग के पास एक आदमी आया तो हजरत बच्ची का निकाह नहीं हो रहा था, दरस से भी पढ़ दो। इसलिए कहा हजरत कर्जा है का दरस से भी पढ़ दो। इसलिए कहा हजरत जॉब नहीं मिलेगा, दरस से भी पढ़ दो। जो परेशानी दरस से शुरू कर दो, अल्लाह की रहमत कैसे बताओ हो जाती है। मोड़ा का मामो रोजा योगी हजार से काम से सुना, ये तो जरूर से नहीं है। उसके अलावा मरना के हाथ में हर वक्त भी उठता है, हर वक्त दुआ में जिक्र जारी होता है। मैंने पता पूछा अगर कुरान कितना पढ़ता है? नहीं बताया। फिर किसे पढ़ गया काम तो मेरे बहुत अलहमदुल्ला कोई हंसता नाटा नहीं जाता था, बल्कि ज्यादा जाता था। बहुत दिन मुझे इस्तेफादा क्या मिला, बहुत मुझे फायदा हुआ। मैं जाता बच्चे दे रहे थे कुछ किताबें और मुताले का शौक था, मुझे कह रहे बना बना चीज देखो बहुत काम की चीज है। तो मुझे मुझसे समझ आया कोई किताब देखी पड़ती है ना, मारा तो ये देख लो काफी है कोई किताब में से। मैंने कहा हजरत बताओ कितना मामूल है कुरान का, क्या किसी को बताऊंगा कि नहीं? बहुत की बात तो बताऊंगा। कहा कि कभी भी मुझे याद नहीं, बरसों से रोजाना एक मंजिल मेरी नादा हुई हो, रोजाना एक मंदिर हर हफ्ते में कुरान खत्म हर हफ्ते में। उसके अलावा सुनो आगे, उसके अलावा फरमाने लगे मेरे इकरार पर कि मैंने सारा शहर दिन में दो मरतबा सुबह बकरा पूरी पड़ी, सुबह शाम दोनों मरतबा इस मंजिल के साथ। ऐसे ऐसे लोग हमारे भाई हमारे करीब में थे, चल बसे अब भी मौका है पढ़ के बख्श दो। रिवर्टे की है ना, विपत्ति की है, बुराइयां की है, उनकी उनके पीछे कदम जाकर झूले करते हैं, पर के बक्सो ध्यान कर पकड़ जाओ, अल्लाह पकड़ेगा थोड़ी गाड़ी अल्लाह। इसे अल्लाह वाले को तकलीफ पहुंचाना आसान काम नहीं है। अल्लाह हमें दुश्मनी दे रहा है, अल्लाह से दुश्मनी। मैं नहागा ही मरी जन अगर आजम तुम भी अच्छा हो तो मेरे मरी से दुश्मनी है, मुझसे लड़ाई का ऐलान कर दे। अब भी कह रहा हूं जिन लोगों ने जीवन की है बुराइयां की है पीछे पड़े हैं उनको पढ़ के बख्शो रोजाना, तुम्हारी निजात होगी, मतलब छुटकारा नहीं होगा। ऐसे ऐसे आवाज हमारे पास से चल रहे, बड़ों ने कदर की, छोटों ने कदर नहीं किया, अजीब बात है। बड़ों ने कदर की, माफी में हमारा इस्तेमाल हुआ मोहन के बहुत पुराने मुस्तमान अनाजी तशील आए थे, उस पर हजरत मारे हम तो जा रही यहां से अलग हो चुके हैं, मतलब थे आपस में इश्तराक हो चुका था। ये भी तशरीफ ले गए थे हमें गुजरात, वो भी इस्तेमाल में चले गए। तो हजरत से हमको पता चल गया मौना खुद मिले नहीं जाए, मैं भी मिलूंगा, नहीं मुझे खुद सुनाया मिलूंगा इस्तेमाल के बाद। किसी ने कहा था हजरत हम जाकर मोड़े आपको सब तशरीफ लाए हैं, इस्तेमाल है और आम मजबे में है। अरे तो बहुत समझ बोलते ज्यादा नहीं थे, समझ रहते थे। तो मशुरा हुआ कल का प्रोग्राम क्या होगा, मुसलमान कौन बयान करेगा क्या हुआ। तो हमारे वहां इतना नाटक के बाद का बयान ज्ञान हुआ करता है निजाम के इस्तेमाल में, मोटे बाद खाने का निजाम हुआ होता है। तो मशुरा हो रहा था भाई फतेहबाद खुला हुआ तालीम खुला होगा, असर बात कहते बात तो मशुरा का नाम हुआ, तो सब आया बयान करें तो सरकार का फैसला फैसला तो मुसलमान के सामने बड़े इस्लाम हजरत ने बयान करवाया। रायमन तशरीफ ले गए वर्णन पर मोहम्मद हमारे जिंदा के हयात थे, अब्दुल रहमान साहब ने फरमाया आज शबे जुमा थी, आज शबे जुमा का बयान बगैर मजकूर बचाने वाले आप सब करेंगे। बड़ों ने कदर की, छोटों ने कदर नहीं की, ऐसा होता है दुनिया में। क्योंकि बड़े पहचानते हैं कदर गोहन शाहिदानत जाबिदानत जो अली गोल की कीमत कौन जानता है, हम जानती है सोना जानता है गोल क्या होता है, बड़े जानते हैं कौन बड़ा है, छोटे को क्या पता बड़ा कौन होता है। बहुत शिफा के मालिक मौलाना, बहुत शिफा और हिस्सा अफजाई करने वाले हमारी मस्जिद जब बुनियाद रखी है तो मौलाना खुशी आया था दुआ के लिए भी, मुझे दूसरे दिन घर बुलाया था ना ही नहीं घर में गया तो मुझे पीछे कमरे में ले गए और से एक अमल निकाला
मुझे कहा जो है ये मैंने नियत की थी तेरे मतिका में सोलह मेरे पैसा दूंगा मेरे दिन के इशारे स्वाद के लिए मैं घर आके लिखा हुआ था हूँ सबसे पहला किसी आलिम का संदेश मुझे मोड़ा था तो हजार फोन किए थे मोड़ा मुझे अब मुझे कहा किसी को कहना तो मेरे औलादों को नहीं कहना कि मैंने तुझे 2000 पाउंड दिए हैं बस मैंने अल्लाह से नियत कर रखी कि मस्जिद का मैं 2000 पाउंड दूंगा कि मुझे कैसा विश्वास थी अल्लाह पर और क्या क्या हालात मौलाना जी अल्लाह पर एक बहुत मुख्तार था मामले भी नहीं था मसाइल बहुत अजबर हालात मौलाना पढ़ाया नहीं यहाँ आने के बाद बहुत कम कारोबार क्या अपना कारोबार भी मौलाना लगाया ये लॉन्ड्री का मौलाना का कारोबार काम चलाया गुमान हमारे हालत बहुत उमदा थे अलहमदिल्ला बेशुमार विवाह बेशुमार यतीम की मौलाना किरदार करते थे कितने उलमा के मकानात मौलाना बनवाए मैं जानता हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों मुल्कों में कितने मदारिस का इतना मौलाना गवाया ऐसा तो खुद देखा खुद क्या भविष्य बनाओ आपके इलाके में जरूरत है तीनों मुल्कों में तीनों को जानता हूं मिलना हिंदुस्तान के सबसे बहुत बड़ा आलिम अब्दुल्ला बहुत बड़े फकीर थे और मौलाना को ऐसा मानते थे फकीर हर तिरंगा में मौलाना को बुलाते थे खुद और मौलाना की राय लेते थे मसाइल में और अपने किताब में मजमून में मौलाना की राय शायद की है इस मसले हमारे याकूब साहब की राय है इस मसले हमारे याकूब साहब की राय है इस मसले हमारे याकूब साहब की राय है छपा हुआ है सारा क्योंकि तिरंगा चौदह जो छपे हुए हैं सब में मौलाना की राय मौजूद है अल्लाह ताला मेरे दोस्तों में जो हजरात बाकी इस वक्त भी क्योंकि दिल से कदरदानी के तौर पर फरमाए बहुत कुछ हालात मुझे याद है मौलाना का किसी वक्त इंशाल्लाह बयान करूंगा अल्लाह ताला मौलाना की खूब मफ़रत फरमाए बहुत दर्जा बुलंद फरमाए बस आज मेरा बयान का खुलासा एक बात आप सुन लीजिए जो मैंने आपसे आज लिया मौलाना का एक मामूल जब शरीफ को आप सब अपनाए हमें अजर मिलेगा अजर मौलाना को भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह अल्लाह तमाम सब मेरे पति का हमारा सुना हमारे हम इस